morning, everyone. I'm Dr. Gagandeep Kaur. I'm working as consultant in pediatrics department with Manipal Hospitals, Patiala. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो कि बच्चों में और मदर्स में, स्पेशली पेरेंट्स में, एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही वरिंग टॉपिक रहता है, जो कि है कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन, जिसको हम कब्जी भी कहते हैं. कब्जी होना या कॉन्स्टिपेशन होना किसे कहते हैं, इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल स्टूल पैटर्न या पॉटी का पैटर्न क्या होना चाहिए. अगर हम एक महीने से छोटे बच्चों का कंसिडर करें तो पासिंग स्टूल्स 5 to 6 टाइम्स अ डे इज़ नॉर्मल. इवन अगर बच्चा फीट लेने के हाफ एन आवर के बाद भी स्टूल करता है एंड इट अमाउंट्स टू 10 to 12 टाइम्स अ डे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नॉर्मल. एक महीने से लेकर एक साल के बच्चे तक अगर बच्चा 4 to 5 टाइम्स स्टूल पास करे, दैट इज़ नॉर्मल. एंड आफ्टर 1 ईयर पासिंग स्टूल 1 or 2 टाइम्स अ डे, दिस इज़ नॉर्मल. इस पैटर्न में कुछ एबनॉर्मैलिटी आए, उसको हम कॉन्स्टिपेशन डिफाइन करते हैं. अब कॉन्स्टिपेशन के लिए हम एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम देखें, अगर किसी भी एज का बच्चा एक हफ्ते में 2 या 2 से कम टाइम स्टूल पास करे, उसे कॉन्स्टिपेशन कहेंगे. या हम नोटिस करते हैं कि बच्चे का जो स्टूल पैसेज है, जो बच्चा पॉटी कर रहा है, बहुत ही पेनफुल हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसे हम वन ऑफ द सिम्टम कंसिडर करेंगे. और सिम्टम्स में हम देखेंगे अगर बच्चा बीच में ही अंडरगारमेंट्स में पॉटी कर रहा है, सॉइलिंग हो रहा है वंस अ वीक, या बच्चा बहुत ही मोटे डायामीटर में बहुत ही मोटी पॉटी कर रहा है जो कि टॉयलेट से फ्लश करने में मुश्किल है, उसको हम कॉन्स्टिपेशन के रूप में देखेंगे. तो कॉन्स्टिपेशन का कारण समझने के लिए हमें देखने पड़ेंगे, मेनली इसके 2 कारण होते हैं. सबसे पहले जो 90% ऑफ द कॉन्स्टिपेशन फंक्शनल होता है और 5 to 10% ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कोई डेफिनेटिव कॉज है जिसको हमें ढूंढने की ज़रूरत है. लेकिन जो 90% ऑफ दी हमारी कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की प्रॉब्लम है वो फंक्शनल है. फंक्शनल का मतलब जो बच्चों की डाइटरी हैबिट्स है, जो टॉयलेट पैटर्न है, उसके बेसिस पे होता है. तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो फॉल्टी फीडिंग है वो एक कारण है. मतलब बच्चे का मिल्क इनटेक ज़्यादा होना, दिन में बच्चे को मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा देना, बच्चे के जो ट्रांजिशन फेज़ आता है 6 महीने के बाद, जब बच्चे को हम नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट करते हैं, उसका लेट ट्रांजिशन होना, बच्चे का पानी का इनटेक बहुत कम होना, ज़्यादा फाइबर डाइट नहीं लेना, आजकल का जो ट्रेंड है फास्ट फूड्स लेना, ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ास सैंडविचेस बाहर से खाना, ज़्यादा जो एयरेटेड ड्रिंक्स बच्चे लेते हैं या स्वीटन जूसेस बाहर से लेते हैं, उसकी ज़्यादा इनटेक होना, ये वन ऑफ द कारण कॉजेस हो सकते हैं. इसके बाद है जो आजकल बच्चों में देखा जाता है, बहुत एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल. सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जैसे बच्चे आजकल ज़्यादा काउच पोटैटोज बनकर बैठे रहते हैं, वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, बाहर खेलना पसंद नहीं करते, ज़्यादा ही अंदर रहते हैं, ये एक कारण हो सकता है. तीसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है, कोई स्ट्रेसर फैक्टर ऐड होना. स्ट्रेसर का मतलब हो सकता है कि जैसे बच्चे का स्कूल चेंज हो गया है, बच्चे की लोकेलिटी या घर चेंज हो जाना, जहां बच्चे के नए फ्रेंड्स या नए एडजस्टमेंट में मुश्किल हो रही है, या किसी के घर में डेथ हो जाना, या कोई क्रॉनिक इलनेस चलना, आसपास का माहौल अच्छा ना होना, या फिर बच्चे का जो नॉर्मल पॉटी करने का टाइम है उसमें कुछ चेंजेस आना, जैसे कि स्कूल का टाइम जल्दी हो गया है, या कोई नॉर्मल जो शेड्यूल में कुछ चेंजेस आए हैं, वो बच्चों के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर होता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. अगला एक कारण हमें समझने की ज़रूरत है, इनएडिक्वेट टॉयलेट ट्रेनिंग. इसका मतलब होता है कि अगर हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग सही टाइम पर नहीं देते, सही टाइम है बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देने का 2 साल के बाद. अगर हम ज़्यादा जल्दी 2 साल से पहले टॉयलेट ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, अगर वो ऐसी एक दिक्कत है, वो एक कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है. अगला एक कारण समझने की ज़रूरत है कि ड्रग्स लेना. जैसे बच्चों में कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे बच्चे नॉर्मल हम कफ सिरप लेते हैं, उसमें कोडीन एलिमेंट होना,
ये एक कारण है, या बच्चे को कोई क्रॉनिक बीमारी के लिए कोई मेडिसिंस चल रही है, जैसे कोई दौरों के लिए दवाई चलना, ठीक है, या फिर ज़्यादा लूज टोल्स होने के लिए हम केमिस्ट से कोई एंटीस्पाज्मोटिक्स ले लेते हैं, वो एक कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का। ये तो सारे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के कारण है, मतलब जो हमारे लाइफस्टाइल के रिलेटेड है या हमारी सही हैबिट्स ना फॉलो करने की वजह से होता है। जो रिमेनिंग 5-10% ऑफ द कॉजेज है उसे ऑर्गेनिक कॉजेज कहते हैं, मतलब जिसमें कोई बेसिक कोई दिक्कत है, जैसे कोई बच्चा हाइपोथायराइड है, ठीक है, जैसे अगर इसका मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, या एक सीलिएक डिजीज़ एक कारण है जिसमें आप नोटिस करेंगे कि बच्चों में पेट की फुलावट हो जाती है जब भी कुछ भी बच्चा वीट प्रोडक्ट्स खाता है। ये सब चीज़ें हमें डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, वही इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करके आपको एक कारण बता सकते हैं। या बच्चों के इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या स्पेसिफिकली हम कहें कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें बच्चा डिले स्टूल पास करता है, पॉटी लेट करता है, उसमें हर्षप्रंग डिजीज़ का हो जाना, या जिन बच्चों में कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स रहती है, सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स, इनमें कॉन्स्टिपेशन का होना, ये सब ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं। तो ये हम डॉक्टर की सलाह लेकर ही हमें पता लग सकता है कि ये कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है। अब कारण के जानने के बाद हमें ज़रूरत है उस चीज़ को ट्रीट करने की। अब देखिए, कब्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरत है पेरेंट्स की काउंसलिंग की, बिकॉज दिस नीड्स पेशेंस। इसका ट्रीटमेंट कोई एक हफ्ते या एक महीना चलने वाली चीज़ नहीं है, ये कई बार 5-6 महीने और कई बार 1-2 साल तक भी चल सकता है। और इसके ट्रीटमेंट में अकेली दवाइयाँ काम नहीं आती, जो हमारा नॉर्मल रूटीन लाइफस्टाइल है और कुछ पॉइंट्स को हमें स्पेसिफिकली देखना है, समझना है, बच्चों में चेंजेस लाने हैं। सो दिस नीड्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट और पेशेंस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द फैमिली मेम्बर्स। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन, स्पेसिफिकली अगर हमारा बच्चा 2-3 साल का है और आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रही है, बच्चा स्टूल पास नहीं कर पा रहा, उस बच्चे को डीमोरलाइज नहीं करना, हमेशा ही उस बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट करना है कि बच्चा किस तरह से उस प्रॉब्लम से निकल सकता है। देखिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बच्चे के लिए भी एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। कई बच्चे रिटेंटिव पोस्चरिंग करते हैं, जैसे कि कहीं पे छुप जाना, ठीक है, अपने पैरों के टोज पे वॉक करना, जैसे टिप टो वॉकिंग, उसे कहते हैं कि बच्चा स्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है बट बच्चे को स्टूल नहीं आ रहा, तो वो बच्चे के लिए भी एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन है। सो बच्चे को हमेशा ही मोटिवेट करना है, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है, उसको इंस्पायर करना है कि उस प्रॉब्लम से बच्चा निकल सकता है। सेकंड जो एक ज़रूरी चीज़ नोटिस करने वाली है कि बच्चे की डाइट में चेंजेस लाना, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए मोटिवेट करना, बच्चे को बॉटल पानी की भर के देनी कि जिससे बच्चा ज़्यादा पानी पिए और जिसकी वजह से स्टूल कंटेंट सॉफ्ट होना शुरू हो। सेकेंडली चीज़ है बच्चों में ज़्यादा खाने में ज़्यादा फाइबर कंटेंट ऐड करना, सैलड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें बच्चों में ऐड करना, जो फास्ट फूड बच्चे का कम से कम इनटेक होने देना, जो बच्चे बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स जूसेस पीते हैं उसका कम से कम इनटेक रखना, घर का बना खाना देना, उसमें हम देसी घी ऐड कर सकते हैं ताकि बच्चे का जो स्टूल है, स्टूल पैटर्न सॉफ्ट रहे, ये हम चेंजेस डाइटरी में ला सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों में करना। एक चीज़ हमने बताई है कि टॉयलेट ट्रेनिंग हमेशा ही 2 साल के बाद हम करते हैं, उससे जल्दी करना बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है, ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होगी। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब में हमेशा एक रूल फॉलो करना है, रूल ऑफ वन। इट मीन्स वन पर्सन, एक ही घर का मेंबर बच्चे को ट्रेन करे, मे बी इट्स फादर, मदर और कोई फैमिली मेंबर, वन पर्सन वन टाइम। वन टाइम का मतलब होता है कि हमने एक ही टाइम पे बच्चे को ट्रेन करना है, चाहे हम अर्ली मॉर्निंग जब बच्चे ने खाना खा लिया है तो विद इन थर्टी मिनट्स हम बच्चे को जो पॉटी की सीट पे बिठा सकते हैं, और उसमें बच्चे को हम कह सकते हैं कि 5-10 मिनट्स तक बच्चा ट्रेन करे, स्टूल करने की कोशिश करे, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली एट वन प्लेस, मतलब एक ही हमने घर का टॉयलेट यूज़ करना है। और जब बच्चे को स्टूल करने के लिए बोलना है, वी हैव टू यूज़ वन वर्ड ओनली, या पॉटी करना,
पू करना या कोई भी आप जो लोकल लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे को अलग अलग वर्ड्स अलग अलग जनों से नहीं सुनने को मिलने चाहिए, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये हमें टॉयलेट ट्रेनिंग में बच्चे के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम करना। जितना बच्चा वीडियो गेम्स और टीवी पे लगा रहेगा तो वो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता। बच्चे को मोटिवेट करना है कि कम से कम 30 मिनट से लेके 1 आवर तक बच्चा बाहर खेलने जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करे, साइकिलिंग करे, रनिंग या कोई भी गेम बच्चा खेल सकता है, उसके लिए बच्चे को मोटिवेट करना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक स्टूल डायरी या कॉन्स्टिपेशन डायरी मेंटेन करनी है। अगर बच्चा 10-12 साल से ज़्यादा है तो ये बच्चा भी मेंटेन कर सकता है, और अगर उससे कम है तो ये पेरेंट्स मेंटेन कर सकते हैं और बच्चे को उसको मेंटेन करना सिखा सकते हैं। उसमें ज़रूरी होता है कि हमने नोट करना है बच्चे ने दिन में कितनी बार स्टूल किया, स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या थी, सॉफ्ट था, हार्ड था, स्टूल करते वक्त पेन हुआ, कोई एब्डोमेन में कोई पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं, ब्लड में स्टूल आ रहा है कि नहीं, हफ्ते में या महीने में कितनी बार लेग्जेटिव्स या मेडिसिंस लेनी पड़ी स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, और कितनी बार हमें क्या हमने डाइट चेंज की और बच्चे ने कितनी बार डाइट फॉलो की। तो ये एक स्टूल डायरी मेंटेन करनी चाहिए, और जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट करें तो वो स्टूल डायरी डॉक्टर को दिखाएं। नेक्स्ट एक लास्ट मैनेजमेंट जो होती है मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि डॉक्टर्स के द्वारा होती है, उसमें हम दो मेन चीज़ें करते हैं। पहले हम ये कहते हैं डिसइंफेक्शन और दूसरी मेंटेनेंस फेज। डिसइंफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि हम कुछ वॉशेस या सपोस्ट्री देकर जो स्टूल जो पॉटी इकट्ठी हुई है उसको हम फ्लश आउट करते हैं, उसको हम निकालते हैं ताकि वो एरिया क्लियर हो। और उसके बाद जो मेंटेनेंस थेरेपी डालते हैं वो हम कुछ मेडिसिंस डालते हैं अलॉन्ग विद द डाइटरी हैबिट्स अलॉन्ग विद द लाइफ स्टाइल चेंजेस, जो कि 4 हफ्तों से 6 हफ्ते मैक्सिमम इवन अप टू 8 वीक्स मेडिसिन चलती हैं, जिससे स्टूल की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट रहती है। वो अगर ज़रूरत लगती है डॉक्टर को अब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन तभी वो रिकमेंड की जाती है। किसी भी लोकल स्टोर से बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के ये मेडिसिन मत लीजिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम डॉक्टर को विजिट कब करें। सो अगर हमें लगता है कि 4 हफ्तों से ज़्यादा बच्चा इसी तरह से स्टूल करने में मुश्किल आ रही है या फिर पेनफुल स्टूल हार्ड स्टूल्स पास कर रहा है, तब आप डॉक्टर को दिखाएं। स्टूल करने वक्त वॉमिटिंग है, बहुत स्ट्रेनिंग है, बहुत रिटेंटिव पोस्चरिंग है, बच्चा बहुत मुश्किल हो रहा है, स्कूल जाने में बच्चा दिक्कत कर रहा है, खा पी कम रहा है, वॉमिटिंग है, पेट में फुलावट है, ऐसी कोई भी कंडीशंस है, तब आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये हम बेसिक चीज़ें थी जो हमें कॉन्स्टिपेशन के बारे में पता होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके अपनी आपको नॉलेज बढ़ सकती है कि इस चीज़ को कैसे सही किया जा सकता है। थैंक यू।